नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल हमें कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग यहाँ से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि दिसंबर तक की ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग इन द सेंस ये नहीं कि मैं आप लोगों को डेली पढ़ाऊंगा, बट जो भी यूट्यूब वीडियोस और जो भी मेंबर के थ्रू हम जो ज्वाइन बटन के थ्रू बात कर रहे थे, उसके थ्रू भी जो हमारी ट्रेनिंग रहेगी वो 4 महीने तक रहेगी, जितना भी ये डेज बचे हैं, ठीक है। क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर से जब भी आपको जो भी पढ़ाया जाएगा इस टाइम, आप उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे एक साथ मिलके, तो आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया ट्रेडर बन सकते हैं। सो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरा एक कोर्स है जो मैं कोर्स लेकर आने वाला हूँ, जो भी आप लोगों को पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर बताया जाएगा। तो मेरे पास एक 2 मिनट की बात करना चाहूँगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर आप लोग समझे तो। मेरे पास एक कल फ़ोन आया था, पर्टिकुलर एक यूट्यूब से ही था जो मुझे फॉलो करते थे, तो उनका फ़ोन आया था। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मुझे क्लिक करी मेरे दिमाग में, मुझे लगा कि वो बात सही है। उन्होंने बोला कि सर अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं अपने यूट्यूबर फॉलोअर्स को, तो जो आप लोग पेड कोर्स पे पढ़ाओगे, जो आपका खुद का पेड कोर्स है, तो आप उस पे ऐसा क्या पढ़ाओगे जो इस पे पढ़ाओगे डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ही पढ़ा रहे हो तो वो चार्ज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक तरीका बताया कि जिसके थ्रू दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉलेज कभी भी फ्री में शेयर नहीं करी जाती है, ठीक है। मैं अगर आप लोगों से उसके 100 रुपये भी ले रहा हूं, तो मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैं कोई ज़्यादा ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा, जो मेरे दिमाग में है मैं सारी बातें आप लोगों के साथ ही शेयर करता हूं, ठीक है। तो मेरे पास यही बात आई थी कि आप जिस तरीके से अपना पेड कोर्स 15th of September को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, जो YouTube पे ज्वाइन बटन है उसी पे आप लेकर आ सकते हो, उस पे आप क्या क्या चीज़ें लेकर आ सकते हो। तो फिर उन्होंने मुझे बताए थे कि इन इनके चैनल देखो और देखो कि वो लोग ज्वाइन बटन पे क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैंने कल थोड़ी बहुत रिसर्च करी, तो मुझे पता चला कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम तो सारी स्टडीज़ जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन जो होगा वो प्राइस एक्शन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो भी पैटर्न्स मैं देखता हूँ, जो भी मैं देखता हूँ ए टू जेड, प्लस जो स्टॉक्स मैं बाय करता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं इंट्राडे बाय नहीं करता, ठीक है। मैं स्विंग बाय करता हूँ, या थोड़े बहुत कभी कभार 2 दिन में इंट्राडे एक कॉल ले ली तो ले ली, वरना जो मैं कॉल्स पर्सनली मैं बाय करता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपनी कैपिटल से, वो कॉल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करूँ, ठीक है। तीसरी पॉइंट कि जो लोग आपके, मैं देखता हूँ कि कमेंट्स में बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि हमने ये होल्ड कर रखा है, ये शेयर होल्ड कर रखा है, मैं क्या करूँ, मैं एग्जिट करूँ, या आप लोग बोलते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का रिव्यू कर लीजिए, या हमारे जो होल्डिंग्स हैं उनका रिव्यू कर लीजिए, मैं क्या करूँ, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाएंगी। तो मैं पूरा एक स्ट्रक्चर लेकर आ रहा हूँ, और उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जैसे कि आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का एक टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर सिर्फ मैं अपलोड कर सकता हूँ क्योंकि मैं एडमिन हूँ, आप लोग मेरे को वहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करिए, आप एक ग्रुप बनाइए जो आप लोगों के साथ जुड़े, जो भी मेंबरशिप ले तो उसके थ्रू वो आपसे जुड़े, और हमारी कम्युनिकेशन हो वो रेगुलर हो। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि अगर किसी बंदे को डाउट आ रहा है तो वो किसी और से भी पूछ सकता है, ठीक है। मतलब आप लोगों के बीच में ग्रुप बन जाए कि हाँ, इस ग्रुप से एक बंदे ने डाउट पूछा तो दूसरा भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक और लेकर आ रहे हैं, डिस्कॉर्ड है, शायद उन्होंने मुझे बताया था, डिस्कॉर्ड करके एक चैनल है जिसके थ्रू आप अपना कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे फीचर्स भी प्रोवाइड होते हैं, तो मैं वो भी सारी बहुत सेटिंग्स देख रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को डिस्कॉर्ड के बारे में कुछ पता है थोड़ा बहुत, तो मुझे एक बार कॉन्टैक्ट करना, तो मुझे आप लोगों से थोड़ी बहुत अगर आप लोग मदद करेंगे ना तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें शेयर करेंगे, प्लस जो मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट बता रहा था, जो थोड़े बहुत अलग यूट्यूबर्स हैं, इंडिया के नहीं हैं वो, थोड़े बाहर के यूट्यूबर्स हैं, तो उनके थोड़े बहुत ऐसी वीडियोस हैं जो समझने वाली हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट में समझने वाली है। देखिए हर चीज़ जो हमें आती है वो हम पढ़ा नहीं सकते, तो वो उन लोगों ने बहुत अच्छे से समझा रखा है, थोड़ी बहुत मैंने उनकी खुद भी देख रखी है वो वाली बेसिक, तो बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। तो वो प्लेलिस्ट भी आपके साथ शेयर करी जाएगी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव नहीं है कि आप लोग मेरे से ही पढ़े, मेरा है जहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है, तो क्योंकि आप लोगों को अगर मेरी चीज़ समझ में आ रही है तो इवेंचुअली जहाँ से मुझे समझ में आ रहा है वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और 31st December के बाद आप खुद इंडिपेंडेंट बन जाएंगे और आप खुद पर्सनली लोगों को पढ़ा भी सकते हैं, मैं ऐसी गारंटी दे रहा हूँ। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्जैक्ट सेम तरीके से आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है।
तो अब वो आप जैसे भी पढ़ाएं, बट मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से दूंगा। बट ये थोड़ा सा जो उन्होंने मुझे एक बात बताई वो मेरे दिमाग में क्लिक कर गई, तो इसलिए मुझे 2 दिन लग जाएंगे वो सारा सेटअप करने में। अगर कोई किसी को डिस्कॉर्ड के बारे में या ज्वाइन बटन के बारे में थोड़ा बहुत पता है कैसे अप्लाई करते हैं क्या है, तो आप मेरे में अनेबल है मैं आप लोगों को बता दूं, बट वो कैसे मेंबरशिप बनानी पड़ती है, तो अगर आप लोग मेरा थोड़ा साथ देंगे तो हम लोग जल्दी ख़त्म कर पाएंगे और स्टार्ट कर पाएंगे। और जो लोग भी बार बार मेरे को कोर्स के लिए क्वेरीज पूछ रहे थे कि आप 15 सितंबर से लेकर आ रहे हैं, मैं उनके लिए खुशखबरी है, तो वो कोर्स अब नहीं आएगा, सारा कुछ इसी में कवर होगा। और बहुत लोगों के पास मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि हम आपके अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, मैं जब भी गूगल में डालता हूँ और मैं कोर्सेज देखता हूँ तो 25-25, 30-30 हज़ार तक के कोर्स आते हैं, तो हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूँ, मैं एक वीडियो आज रात तक बना दूंगा और कल मैं अपलोड कर दूंगा, तो उस वीडियो में सारी चीज़ें आपकी सुनी जाएंगी। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को सबको अपना रिस्पांस देना है कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या प्राइस होना चाहिए, सारा कुछ आपके बेसिस पे ही डिसाइड होगा, ठीक है। मुझे नहीं है अगर वो प्राइस 5,000 भी हो जाता है, 1,000 रुपये भी हो जाता है, कोई भी प्राइस होता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बेसिस पे डिवाइड होगा जो भी ज़्यादा वोट आता है, ठीक है। सब लोग आप करेंगे, बट मेरे को वीडियो बनाने से मतलब है, सारा सपोर्ट आपका चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जिसको भी थोड़ी बहुत डिस्कॉर्ड के बारे में नॉलेज है या फिर थोड़ी ज्वाइन बटन या इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो मेरे साथ बनिए, हम लोग बात करेंगे। आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे या मुझे मेल लिख सकते हैं, मैं आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लूँगा। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा आप लोगों को कल हमें क्या ट्रेड लेना है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला स्टॉक में लेकर आया हूँ DLF, DLF बाय करने की सलाह मैं दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि शेयर यहाँ से हमने देखा नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, ठीक है, एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद हमने अगली कैंडल का वेट करना था, बट अगली कैंडल ऊपर नहीं बनाई, दोबारा नीचे आ गया। दोबारा नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि एक लेवल रेजिस्टेंस था, जब यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट दिया, दोबारा रीटेस्ट करा। मैं अभी आप लोगों को जो 5 शेयर बताऊंगा उसमें से 3 या 4 शेयर रीटेस्ट के ऊपर होंगे, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को अलग पैटर्न के ऊपर सिखाया था, आज मैं आप लोगों को अलग चीज़ के ऊपर सिखा रहा हूँ, तो हर वीडियो को ध्यान से देखना है आप लोगों को, ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और इस बात को नोट करना है आप लोगों को अपने नोट पैड पे या जिसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ रीटेस्ट करा फर्स्ट टाइम, दोबारा ऊपर गया। अब इसमें देखने वाली क्या चीज़ है कि जब ब्रेक करा तो यहां तक ही ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, फिर दूसरी बार रीटेस्ट करके जब ऊपर गया तो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर गया, ठीक है, एक पॉजिटिव सिग्नल मिला, दोबारा नीचे आया, रीटेस्ट दूसरी बार कर रहा है। अब दोबारा इसने एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के बाद इसने एक हैमर टाइप कैंडल बना दिया, अगर अब इसके ऊपर निकलता है तो एक दोबारा बाइंग आ सकती है। और आपको क्या करना, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप ये स्विंग ट्रेड लेकर चलते हैं 2 दिन के लिए, इससे नीचे क्लोजिंग पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्लोजिंग कह रहा हूँ, छूने की बात नहीं कर रहा, अगर छू गया क्लोजिंग के बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ये आप टारगेट लेकर चल सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 ही है, तो हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है। टारगेट और स्टॉप लॉस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट आता है नौकरी, ये नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, इन्फोएज जिसे हम कहते हैं, या तो InfoEdge पे मुझे एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था कि मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो एग्जिट कर लिया है, और मेरे कहने पे बहुत लोगों ने कर भी लिया था, मेरे को मैसेजेस आ रहे थे। तो देखिए ये जो गिरावट आ रही है इस पर हमें फ्रेश बाइंग ही बनानी है, ठीक है। तो जब भी टाइम, अभी टाइम नहीं आया बनाने का, आएगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। अब आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, अभी आप देख सकते हैं ट्रेंड पॉजिटिव में है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एक फॉल आई, फॉल आने के बाद ना यहाँ पर इसने बेस बना लिया है, देख पा रहे हैं बेस बना चुका है ये, तो मतलब ये जो लेवल है, ये लेवल आ रहा है अराउंड, मैं आप लोगों को बताऊं तो 3260 के आसपास का, ठीक है। तो 3260 इस लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम लोग एग्जिट कर सकते हैं स्टॉप लॉस पे, बट ये अच्छा लेवल है, मुझे लगता है कि यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, अराउंड 300 से 250 पॉइंट्स तक के टारगेट हम लोगों को मिल सकते हैं। ये मुझे बहुत जल्दी जल्दी में बहुत बढ़िया स्टॉक मिल गया, तो इसे भी हम लोग स्विंग ट्रेड के लिए लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अपना रिस्क और रिवॉर्ड देखिएगा और उस हिसाब से ट्रेड करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आता है डॉक्टर रेड्डी, ये पर्टिकुलर स्टॉक आज मैंने पर्सनली ट्रेड करा था, और ये बहुत टाइम बाद मैंने इंट्राडे करा था, और इसके बाद यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दिया था ये पर्टिकुलर स्टॉक। अब आप देख सकते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या था, रीज़न क्या था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है।
अब ये था कि हम लोगों ने स्टॉप लॉस इसमें बहुत कम रखा था, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक था तो हम लोगों को स्टॉप लॉस इसमें कम रखना था। ये देख सकते हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, ब्रेक करा, ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट करा। दूसरी बात, रीटेस्ट वाला आपको मैंने बता दिया कंसेप्ट। अब यहां से एक रैली स्टार्ट हुई थी, रैली से लेकर टॉप तक मैंने जब फिबोनाची बनाया तो मुझे पता चला 61.8% जो गोल्डन रेशियो होता है वहां पर ये हॉल्ट करा। अब यहां से बाइंग आ रही थी तो अराउंड मैंने 92.96 के आसपास मैंने अपने क्लाइंट्स को बाय करने की सलाह दी थी। मेरा यही टारगेट था जो ये आप पॉइंट देख रहे हैं, और मैंने जो स्टॉप लॉस दिया था 42.88 के आसपास का दिया था, सिर्फ 8 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था। उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और इवेंचुअली आखिरी में जाके ये पूरा का पूरा टारगेट हिट कर गया, वरना हम लोगों को बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। बट कोई बात नहीं, कोई वरी नहीं है, इसके ऊपर भी अगर ये जाता है 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर, नेक्स्ट टारगेट ये बनता है, इसमें हम दोबारा बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर कल एक गिरावट आती है तो भी हम लोग इसको स्विंग ट्रेड के लिए लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट आता है रैलिस। रैलिस भी मेरे इस वॉच लिस्ट में था, बट मैंने को देखना था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है क्लोजिंग बेसिस पे, इस हिसाब से मैं इस पे डिराइव करता, ट्रेड लेता। अब आप देख सकते हैं ये एक मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं सपोर्ट आता है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो यहाँ से एक शार्प फॉल आई, अब एक रेड ग्रीन कैंडल बनी है और अपने सपोर्ट पे ही बनी है, ठीक है। तो जब इस लेवल के ऊपर निकलेगी ना, ये लेवल है, ये देख रहे हैं, ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर जब ये निकलेगी तो हम लोग एक बाइंग लेवल बना सकते हैं। 4-5 रुपये का हमें इसमें टारगेट मिल सकता है, ज़्यादा के ऊपर नहीं जाना कि ये सोच के कि यहाँ तक आ जाएगा, हमें नहीं पता कि यहाँ तक आएगा नहीं आएगा, बट हमें इंट्राडे के लिए काम करना है तो 3-4 रुपये के टारगेट के लिए हम इनफ है, ठीक है। तो लेवल्स आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। लास्ट आता है LIC हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। LIC हाउसिंग फाइनेंस आया, ये भी रीटेस्ट वाला है। देखिए हर वीडियो पे मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं, उसी हिसाब से मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आ जाए, तो वीडियो थोड़ी सी मतलब बनाने में और सिलेक्ट करने में थोड़ी सी लेट हो जाती है, बट वो कंसेप्ट अगर मुझे मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट टाइम रीटेस्ट करा, हायर हाई बना दिया, ब्रेक कर दिया, दोबारा नीचे आया, यहीं पर ही रीटेस्ट करा, अब दोबारा ऊपर जा रहा है। राउंड फिगर 300 लेवल के ऊपर क्रॉस कर चुका है LIC हाउसिंग फाइनेंस, वैसे भी बुलिश था आप जिस तरीके से देख रहे थे, तो अब यहाँ पर भी एक दोबारा बाइंग आ सकती है। लेवल्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आता है, नेक्स्ट 5 स्टॉक्स हो चुके हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं आप लोगों को बता दूं, तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपको बताया था निफ्टी पे कि अगर निफ्टी 11,380 के नीचे जाती है, 370 के नीचे जाती है सॉरी, तो वहाँ पर हम लोग अपना एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका लो क्या था, एक सेकेंड, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ मैं इधर दिखा देता हूँ, या अब आप इधर देखिएगा कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ये वाली जो क्लोजिंग थी, इसका जो लो था अराउंड आप देख सकते हैं 11,375 के आसपास ही था, उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी यहाँ तक ले, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ इस रेंज के अंदर ये काम कर सकता है, बट अभी भी एक इनडिसाइसिव कैंडल है। मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अब यहाँ से बाइंग आ जाएगी, बाइंग नहीं आ सकती है, मैं कह रहा हूँ सेलिंग भी नहीं आ सकती है, ठीक है। तो हमें अभी वेट करना है कि ये किस तरफ डायरेक्शन देता है, एक सिंपल कैंडल बने, एक छोटी सी भी कैंडल अगर इसके ऊपर बन जाती है तो भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं बाई के लिए, या फिर अगर इसके नीचे बनती है कैंडल तो भी हम लोग एक सेल के लिए ट्रेड ले सकते हैं, बट कैंडल का कंफर्मेशन जरूरी है, ठीक है। तो इस पर कोई ट्रेड नहीं है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे मुझे सेल लग रहा है, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, या बैंक निफ्टी पे यहाँ पर आप देखिए कि बैंक निफ्टी पे मुझे एक तरीके से सेल लग रहा है। अब यहाँ देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल एक जो इसने रेड कलर की बनाई, उसके बाद इसने एक इनगल्फिंग मतलब आप देख सकते हैं एक इनसाइड कैंडल बना दी, इनसाइड कैंडल बनाने के बाद अगर ये लेवल के नीचे जाता है, कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, तो एक अच्छी खासी सेलिंग इस पर आ सकती है, फॉर अ लेवल ये इस टारगेट तक के लिए सेलिंग आ सकती है, या फिर अगर नहीं आती, अगर इसके ऊपर कल क्लोज कर जाता है, ठीक है, जो इसका ओपन था इस बैंक निफ्टी के आज के ओपन के ऊपर अगर वो क्लोज कर जाता है तो हम लोग एक बाय के लिए ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई भी नहीं है ट्रेड, अभी हम लोगों को स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, बढ़िया स्टॉक सिलेक्ट करिए, उसे अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, बेस्ट लेवल्स प्राइस मिलते हैं तो उस पर हम लोग अपने होल्डिंग्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं, मैं वो वीडियो लेकर आने वाला हूँ आज कल तक, वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, और जिसको भी डिस्कॉर्ड या उनके बारे में पता है तो मेरे साथ जुड़िए, मुझको मेल लिखिए, मैं आपका रिप्लाई में आपको अपना नंबर दे दूंगा, हम बात कर सकते हैं और अपना सारा सेटअप कर सकते हैं,
ठीक है, जिनको मैंने पढ़ाया था, जिनके मैंने पुराने बैचेस ले रखे हैं, तो उसमें से एक दो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरी मदद करते हैं स्टॉक सिलेक्शन भी करने में, और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिनको मैंने पढ़ाया वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरी जो मेरी मेहनत है वो थोड़ी कम भी हो रही है और मेरे को साथ भी मिल चुका है, तो बहुत बढ़िया लगता है अगर जिनको मैं पढ़ाऊँ वो मेरे साथ काम करने लग जाए। तो मैं डेफिनेटली यही चाहता हूँ कि हम लोग एक ग्रुप बना के अपना काम करें, और दिसंबर के बाद हमारा एक ऐसा ग्रुप हो, बेसिकली एक ऐसा आपको ट्रेडर्स का एक ग्रुप हो या इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप हो, जो डेफिनेटली इन द फ्यूचर बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, हम एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ मैं डेफिनेटली, और जिस कम्युनिटी के थ्रू हम एक दो साल में बहुत बढ़िया कर सकें और हमारी जान पे, मतलब एक तरीके से हमारी नॉलेज और जो हमारी एक्सपीरियंस है मार्केट में वो गेन हो। ठीक है, मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करता, बट जब मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली कुछ अच्छी बात ही कर रहा हूँ। सो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। अपना सपोर्ट मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा कि ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा। मैं अपना पेड कोर्स को हटा रहा हूँ, जो मैं फीस सोच के रखा था कि मैं ट्रिप 999 मतलब 10,000 के आसपास रखूंगा, मैं उसको हटा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, और उसके बाद हम लोग सीधा ज्वाइन बटन पे आएंगे। मुझे अभी पता नहीं कि ज्वाइन बटन है, और एक कोई कह रहा था फ्रंट पेज ऐप करके भी एक आया जिसके थ्रू लोग कर रहे हैं ज़्यादातर, तो आप लोग मेरी मदद करिए। देखिए मैं, मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं, मैं यहाँ पर भी हूँ, तो अगर आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो हम मिल के बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, अपना सपोर्ट दिखाइए कमेंट सेक्शन के अंदर, जिन जिन को ज़्यादा जो जो चीज़ के बारे में नॉलेज है मुझे बताइए, मुझे मेल लिखिए, मैं सबसे कॉन्टैक्ट करूँगा और मैं सबकी मदद लूँगा। ठीक है, मदद लेने में कोई हर्जी नहीं है, मुझे आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, तो हम इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पे। कमेंट सेक्शन में अपनी सारी की सारी क्वेरीज रख दीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक रिलेटेड नहीं कह रहा, जो ये जो अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड कि जो भी आपके डाउट्स आते हैं कि ये किस तरीके से होगा, ये भी इंक्लूड कर दीजिए, कोई नई चीज़ आप लोग इंक्लूड करवाना चाहते हैं वो सारा कुछ लिखिए, और मुझे मेल लिखिए अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो पर।